प्रस्तुति चैनल जी संकुट एकदम से कैसे आप लोग आशा करता हूँ सही और मस्त लगे। तो आज है अपना गणपति बप्पा का विसर्जन, तो गणेश चतुर्थी का लास्ट डे है आज। तो विसर्जन करने का मन तो बिल्कुल नहीं है, बट क्या करें, विसर्जन तो अपना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज अपने पप्पा का विसर्जन है, तो आज फुल सब अपना कार्यकर्ता लोग सब आ गए। तो आप साइड का देख सकते हैं, अपन ने फुल ओपन भी कर दिया है, ये देख सकते हो। पहले सब पिल्लर आगे तक था, तो अपन ने उसको जितना चाहिए मूर्ति को जाने जितना उतना अपन ने उसको काट के ये कर दिया है। तो अभी इधर से फिर अपना मूर्ति बाहर जा सकता है, फिर आगे अपने यहाँ पे फ्लावर सब गिरा के फिर वो सब रहेगा। तो आगे का मैं आपको बताता हूँ क्या है करके। तो इधर भी देखो, अभी दर्शन अपन ने बंद कर दिया है, सबको इधर साइड से बंद कर दिया है, सब कुछ इधर से आने का एंट्री सब बंद कर दिया है, क्योंकि अभी अपने को आरती लेके फिर मूर्ति को बाहर निकालने का है और लेके जाना है अपने विसर्जन के लिए। तो विसर्जन कल सुबह होगा, बट अभी जो है अपना निकलेगा विसर्जन के लिए, और ढोल बाजा के साथ सब रहने वाला है। तो जो भी है फटाफट निकलते, तो सबसे पहले एक छोटा सा आरती लेंगे, आरती लास्ट आरती लेते हैं अपना गणेश चतुर्थी 2020 रहेगा। तो फिर उसके बाद अपन अपना विसर्जन के लिए शुरुआत करते हैं। अपना जो आरती जो है वो हो चुका है, तो अभी अपने को ट्रैक सब कनेक्ट करना पड़ेगा मूर्ति को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो अपना पार्ट सब वो निकालना पड़ेगा, तो अभी सब जो भी अपना ऊपर का थोड़ा डेकोरेशन है वो भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए मूर्ति बाहर लाने के लिए वो सब निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सब निकालता हूँ, ट्रैक सब ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो आप उनका सब कुछ निकाल दिया है अपन ने, अभी सब कुछ हो गया, छोटा मूर्ति का भी पार्ट सब निकाल दिया, और ऊपर से भी देख सकते हो ऊपर ये था जो बड़े मूर्ति को लगता था, उसके वजह से अपन ने निकाल दिया वो भी। तो अभी यहाँ से फिर टैग भी कनेक्ट कर दिया है, तो अभी इधर से अपन निकल जाएंगे। तो ढोल सब बाहर अपना वेट कर रहे हैं, ढोल वाले सब अपन अरेंजमेंट किया है वो सब बाहर है। फिर अब ये कैसा रहने वाले, यहाँ पे थोड़ा ढोल बजाएंगे, फिर यहाँ से फिर स्ट्रीट जो अपना रोड है उससे जाएंगे डायरेक्ट, फिर अपना जो बीच है वहाँ से फिर अपना चालू होएगा वापस से ढोल, ढोल रहेगा फिर बैंजो फिर डीजे, फिर उधर से फिर सीधा विसर्जन में जाएगा। तो ऐसा होने वाला है अपना आज का जो विसर्जन का प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले अभी अपने जो छोटा मूर्ति है उसको जगह उधर पे रख के अपन ने उधर जगह बनाया, वहाँ पे आपको दिखा था मैं, तो उधर पे लेके जाते फिर अपन बड़े मूर्ति को निकालेंगे। तो अपनी जो छोटा मूर्ति है वो पहुँच चुका है अपने गेट पे, अभी अपना बड़ा मूर्ति को अपन लेके आते हैं उधर से। तो बड़ा मूर्ति को भी लेके आते हैं, यहाँ पे ट्रॉली तो अपना लग चुका है, ट्रॉली मूर्ति पे ही अपना बड़ा मूर्ति के। तो अभी फर्स्ट इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसका निकाल के ये ट्रैक को हटा देते पूरा। तो अभी अपना बड़ा मूर्ति को निकालते हैं, गणपति बप्पा मोरया। अपना दोनों मूर्ति जो है वो जो आके पहुंच चुका है अपने गेट पे। तो अभी सबसे पहले जो अपना छोटा मूर्ति है उनको थोड़ा बड़ा बड़ा अपने रख दिया, छोटा मूर्ति आ चुका है सबसे आगे,
और बड़ा मूर्ति भी जो है वो भी आ चुका है बराबर अपनी जगह पे। अभी यहाँ पे थोड़ा ढोल बजा बजेंगे, फिर यहाँ से अपना जाएंगे विसर्जन के लिए, चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी मूर्ति के ऊपर फूल वगैरह गिर जाते हैं, फिर वहाँ पे आगे जाते हैं। इधर से अपना हो चुका है, अभी ढोल बाजा अभी अपन निकल जाएंगे आगे के लिए। तो ढोल बाजा सब अभी बंद कर दिया अपन ने, तो अभी जो अपना छोटा मूर्ति बड़ा मूर्ति दोनों को अभी लेके जाना है अपने विसर्जन के लिए। तो अभी यहाँ से अपन निकलेंगे फटाफट। तो ये जो अरेका पार्ट है वो सेकेंड पार्ट में आएगा, तो सेकेंड पार्ट में वो दिखेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 नहीं तो 7 मिनट का वीडियो डालता हूँ, उससे बड़ा नहीं डालता हूँ, ज़्यादा से 10 मिनट उसके अपन में। तो उसके लिए मैं 2 पार्ट में डालता हूँ, तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो आज भी आप पहला पार्ट देख लो, आज फिर आपको कल सेकंड पार्ट भी आ जाए। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू।